मार्केट में जो है वो ज्यादा मार्केट जो है इन्फिनिक्स की सिस्टम है ये 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं ना, मेरे पास 6000 रुपए तक केसिंग पड़ा हुआ है। ये कि रैक पे और कमी करनी चाहिए उनको, अभी फिलहाल टैक्स तो बरकरार वही है। अब वाइन एंड प्राइम का पहले हम पैनल जैसे सेल कर रहे थे 4043 रुपए का सेल करते हैं, वही पैनल 5500 रुपए का सेल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया चीजों में, आपको पता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका होस्ट मुनीफ खालिद। आज के व्लॉग में मैं आया हूं टेक्सला दीन प्लाजा, और जो कि है मोबाइल मार्केट। अगर आप वाक एंड और टेक्सला के रिहायशी हैं तो ज़िंदगी में कभी ना कभी आपने यहाँ से मोबाइल ख़रीदा या बेचा ज़रूर होगा। आज का ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम अंदर जाएंगे और जाके जो दीन प्लाजा है इसको एक्सप्लोर करेंगे, और इस ब्लॉग में वाकेंट और टेक्सला के जो अवाम हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है जो कि आपको इस ब्लॉग में आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। तो आए मेरे साथ अंदर चलते हैं और जाके पूरा दीन प्लाजे को एक्सप्लोर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। आइए मेरे साथ और चलते हैं। अभी मैं दीन प्लाजे के अंदर एंटर हो चुका हूं, और अंदर दाखिल होते साथ ही जो लेफ्ट साइड पे पहली दुकान है अरियान मोबाइल, उसके अंदर मैं इस टाइम मौजूद हूं, और अरियान मोबाइल के जो ओनर है मेरे साथ अली भाई, वो इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अभी हम अली भाई से थोड़ा सा जो मोबाइल्स के रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। तो अली भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं आजकल काम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, काम पहले से कुछ बेहतर हुए इलेक्शनों के बाद से, जब से नई गवर्नमेंट आई है। ये जब से रेड ऑन हुए मोबाइलों के, कुछ बेहतरी आई है। और जो पीटीए से रिलेटेड जो टैक्स वाले फोन थे, उन में भी यही है कि टैक्स में और कमी करनी चाहिए उनको, अभी फिलहाल टैक्स तो बरकरार वही है, सेम रेट जा रहे हैं। और मुझे बताएं कि जो यहाँ पे टेक्सला वाकेंट की आवाम है, ज्यादा एंड्रॉयड पसंद करती है या ज्यादा जो है आईफोन्स की यहाँ पे डिमांड होती है? मिक्स है, सारा मिक्स चल रहा है। आजकल जो टिकटॉकर है, आप जैसे यूट्यूबर है, वो एंड्रॉइड को छोड़ के आईफोन पे चले गए, और बाकी वहाँ एंड्रॉइड यूज कर रही है। और आप मुझे बताएं कि जी आपकी दुकान पे ऐसा क्या स्पेशल है, और जो आप व्यूवर्स को वॉक इन किया आवाम को, जो आप स्पेशल है कोई ऑफर करा रहे हैं? मेरी शॉप पे ऑल एक्सेसरीज है, जिसमें पावर बैंक है, उसके अलावा आईफोन की तमाम एक्सेसरीज है, पाउच है, उसके अलावा काफी आइटम है हमारे पास। तो वो जो स्पेशल ऑफर जो इंट्रो में मैंने आपको बताई थी, उसके बारे में अभी आपके साथ मैं उसको डिस्क्लोज करता हूँ कि आपको क्या स्पेशल ऑफर अभी आपको मिलने वाली है। तो जो भी मेरी ये व्लॉग देख के वॉक इन टेक्सला का, या कहीं से भी ये व्लॉग देख के इस दुकान पे आएगा, अली भाई आप उसको क्या स्पेशल ऑफर देंगे, क्या डिस्काउंट देंगे? बट साहब, आपका जो भी डाउनलोड करके आएगा वीडियो, स्पेशल ऑफर देंगे उसको। कितनी बताएं सर? अच्छी देंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं, फिर भी आप डिस्क्लोज करें इसको इसी टाइम, कितनी आप देंगे? 10% देंगे इंशाल्लाह। नहीं, 10% तो बहुत कम है। जो एक ब्लॉग देख के यहाँ पे आएंगे मेरे व्यूवर्स, उनको आपको कुछ स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए जो आज से पहले आपने कभी ना दिया हो। 15% दे देंगे ऑल तमाम एक्सेसरीज पे, ये भी कम है। तो बट साहब, अपनी मर्जी से आप बोल रहे ना, आपकी ना मेरी 20%। और इसके साथ ही आप एक गिफ्ट भी देंगे उनको। तो व्यूअर्स, बड़ी स्पेशल ऑफर है, जो भी ये व्लॉग देख के यहाँ पे आएगा रियान मोबाइल पे अली भाई के पास, और यहाँ पे इब्रार भाई भी होते हैं, उनके पास जो भी आएगा ये व्लॉग देख के तमाम एक्सेसरीज पे, और जो फोन यहाँ पे कोई किसी ने खरीदना होगा, तो उनको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। आर्यन ब्रदर मोबाइल नहीं, आर्यन ब्रदर दीन प्लाजा टेक्सला जो पहली ही दुकान, पहली शॉप है हमारी कॉर्नर की, जैसे मार्केट के अंदर उल्टे हाथ पे पहली शॉप पे आर्यन ब्रदर।
दोस्तों अभी मैं आया हूँ यहाँ पे अहमद कम्युनिकेशन में, जो कि टेक्सला दीन प्लाजा में होलसेलर की दुकान है पिन पैक सेटों की, और इस शॉप के भी ओनर मेरे साथ मौजूद हैं वसीम भाई अल मशहूर टेक्सला चौक के। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं वसीम भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आजकल यहाँ पे टेक्सला में कौन से ज्यादा सेट ज्यादा इन है मार्केट में? जो है वो ज़्यादा मार्केट जो इन्फिनिक्स की सिस्टम है, पर हम कोशिश करते हैं किसी अच्छे ब्रांड्स में काम करें, मतलब मीन्स वीवो बेच लें, मतलब रेडमी बेच लें, कस्टमर को अच्छी चीज़ दें। तो लोकल ब्रांड्स में ये है कि फिर आगे जाके कंप्लेंट्स वगैरह ज़्यादा आती हैं, तो कस्टमर जो है वो उसमें फिर ख़राब होता है। तो आपने सिर्फ यहाँ पे पिन पैक सेटों के काम रखा हुआ है, आप सेकंड हैंड का काम नहीं करते ना, एक्सेसरीज आपने रखी हुई है? सर ब्रांड नहीं बेचते हैं, होलसेल करते हैं ना। तो ये ज़्यादा बड़े जो टच फोन है बहुत ज़्यादा सेल यहाँ पे होते हैं टेक्सला में या वाकेंड में या बटनों वाले फ़ोन छोटे फ़ोन? नहीं, यहाँ पे तकरीबन 1 लाख की रेंज में, तकरीबन 1,30,000-1,40,000 की रेंज में यहाँ पे फोन सेल होता है। और आप तो शॉप्स वालों को भी माल देते हैं ना? जी जी शॉप्स वालों। तो वसीम भाई अब जाने से पहले मैसेज, मैंने अभी सबसे पहले उधर अली भाई से बात की, अली भाई ने स्पेशल एक 20% की ऑफ़र दी, जो ये ब्लॉग देख के आएगा आप उसको 20% का डिस्काउंट और वो साथ गिफ्ट देंगे, आप क्या कुछ ऑफ़र देंगे? हम लोग जो है वो पिन पे के साथ जो है कस्टमर को जो है एक्सेसरीज जो है 50% ऑफ पे देंगे, ठीक है? और वैसे लोग मार्केट में 20-25% से ऊपर ऑफर नहीं करते, हम 50% 50% डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट पे देंगे। ये फ़ोन में या एक्सेसरीज में? फ़ोन के साथ जो एक्सेसरीज यूज़ हो। फ़ोन में कितना देंगे? फ़ोन पे तो डिस्काउंट इतना होता ही नहीं है ना, पर उस पर भी थोड़ा सा, जो भी जिस पे 5% है उस पे 5 दे देंगे, किसी पे 10% है उस पे 10 दे देंगे। और जो स्पेशल देके आएगा व्लॉग देना, वो तो आपको स्पेशल जो कस्टमर आएगा तो उसको रखे। चलें बहुत शुक्रिया वसीम भाई का, वसीम भाई ने अपना कीमती टाइम दिया। आए चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाके जो रिपेयरिंग मार्केट है वो एक्सप्लोर करते हैं, और जो टेक्नीशियंस हैं उनसे हम बात करते हैं। ये हम आ गए हैं दीन प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर पे। अभी मैं मौजूद हूँ केपी के मोबाइल, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है। ये है जो सारे मोबाइल्स की जो केसिंग्स हैं उसकी, ये होलसेल की शॉप है, और मेरे साथ ये यहाँ पे इस शॉप के जो ओनर हैं एहसान भाई वो मौजूद हैं, और ये साथ ही सेल्समैन हैं उस्मान भाई, जो कि सारे इनको जानते होंगे उस्मान भाई को, ये भी मेरे साथ मौजूद है। अभी इनसे भी हम थोड़ी सी इस केसिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। एहसान भाई सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास तमाम मॉडल्स की केसिंग्स मौजूद हैं? जी भाई, तमाम मॉडल्स की ओरिजिनल केसिंग हमारे पास मौजूद होते हैं, फुल केसिंग बैग भी है, फुल केसिंग भी है। बटनों वाले से लेके जितने भी टच फोन हैं सब की? जी भाई, बटनों वाली नोकिया की केसिंग है सिर्फ, और बकाया सारे मॉडल है इंफिनिक्स, टेक्नो, एयरटेल, आईफोन तक मेरे पास केसिंग है। और इनकी प्राइजेस क्या हैं? मुख्तलिफ प्राइजें, होलसेल रेट होती है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होती है और मिनिमम से लेके मैक्सिमम का? 1,000 रुपये से स्टार्ट होती है ना, मेरे पास 6,000 रुपये तक केसिंग पड़ा हुआ, 6,000 रुपये तक। और उस्मान भाई आप मुझे बताएं कि ये सारा जो सामान है, ये केसिंग्स वगैरह आप कहाँ से लेके आते हैं? सर ये हमारा सामान चाइना से भी आता है, और पाकिस्तान भर में लाहौर, कराची और पेशावर, फैसलाबाद, और इसके अलावा हमें जहाँ भी पता चलता है ना कहीं से भी कोई ओरिजिनल चीज़ मिल रही है, तो हम उस जगह के ऊपर पहुंचने की भरपूर कोशिश करते हैं कि यार हमारी दुकान में सारी वैरायटी पूरी होनी चाहिए, सारे ओरिजिनल मॉडल्स के सारी केसिंग्स और बैग होने चाहिए। इवन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको हर टाइम के ऊपर लाहौर में भी नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ केपी के मोबाइल के ऊपर आपको वो सारी चीज़ें एट अ टाइम मिलेंगी। सर केपी के मोबाइल की इंशाल्लाह पूरे टेक्सला में एक नाम है और एक पहचान है, इस शॉप पे क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे पास कस्टमर आता है कि सस्ती चीज़ दे दें, वहाँ से 800 की बैग मिल रही है, हम शायद 100-200 महंगी बैग देंगे, लेकिन हम गारंटी के साथ देंगे कि आप ये फ़ोन को बैग लगाएंगे, फिटिंग एक तो इसकी बेस्ट होगी, और दूसरा जो है ना इसमें आपके फ़ोन का सिग्नल का इशू नहीं होगा, क्योंकि जेन्युइन बैग की ये निशानी होती है कि उसमें सिग्नल एंटीना भी ज़्यादा लगा होता है, इसलिए जो है ना क्वालिटी पर नो कम्प्रोमाइज़। और बाकी भी आपकी शॉप पे माशाल्लाह एक्सेसरीज भी हैं, चार्जर भी हैं, और बाकी तो वो चीज़ें भी सारी ओरिजिनल हैं। ये आप अगर इस तरफ देखेंगे तो हमारे पास LG के, सैमसंग के, आईटेल के, ओप्पो के, और बाकी भी असूस और इस तरह की डिफरेंट कंपनीज के हमारे पास 100% जेन्युइन अडॉप्टर भी अवेलेबल है, कोई कॉपी। आईफोन के भी हमारे पास 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स तक भी
100% जेनुअन आपको इंशाल्लाह चार्जर मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास सर्विस पैक पैनल जिसको कहते हैं, वो भी कुछ मॉडल्स के हमारे पास रिंग वाले पैनल्स भी अवेलेबल है। इसके लिए ये हमारे पास इधर स्टॉक लगा हुआ है, ये रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, रिंग के साथ भी पैनल हमारे पास है, सब कुछ इंशाल्लाह मिलेगा। अभी ये देखें, ये अगर आपका कैमरा इसको कवर कर सके, ये हमारे पास Huawei P20 Lite का पैनल है जो रिंग के साथ है। इसमें आपने कोई गम नहीं लगानी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना बोर्ड और बैटरी इस रिंग में फिक्स करना है और फोन को आपने यूज करना है। इसके अलावा ये मॉडल है, इसकी भी हमारे पास ओरिजिनल 100% पैनल विद रिंग है। इंशाल्लाह इसमें फिटिंग भी बेहतरीन आएगी, सिग्नल का मसला भी नहीं होगा और आपका फोन जैसे पहले था बिल्कुल 100% वैसे ही काम करेगा। ओरिजिनल है जी, ये रिंग भी बिल्कुल 100% जेन्युइन है। इसमें ये आपका स्पीकर भी बैठा हुआ है और हर चीज है इसमें, यानी आपके ये एंटीनास वगैरह भी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आपको क्वालिटी में इस शॉप पे कोई भी कंप्रोमाइज, कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आएगी कि आप कहें यार ये चीज मुझे क्वालिटी में कम नजर आ रही है। हर चीज आपको इंशाल्लाह जेन्युइन मिलेगी। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ AS कम्युनिकेशन पे, जो कि है मोबाइल रिपेयरिंग का जो पार्ट्स हैं होलसेल पे वो यहाँ से मिलते हैं। और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जिशान भाई, जो इस दुकान में सेल्समैन है। और जिशान भाई के साथ काफी मेरी पुरानी दोस्ती भी है। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जिशान भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा पार्ट्स के मुतालिक आप मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन से पार्ट्स ज्यादा हैं? हमारे पास देख लें, हम होलसेल का बेसिकली काम करते हैं पार्ट्स का, मतलब पैनल से लेके जैक से लेके जो जितनी भी स्क्रीनें वगैरह हैं, वीवो ओप्पो आईफोन जितने भी उनके पार्ट्स हो गए, मिनिमम से मतलब स्पीकर हो गया, उनकी नीचे पोर्ट्स आती हैं, सारा कुछ जितने भी ग्लास हो गए जैसा कि आप मिसाल हो गए, सारा कुछ जितना आप ले लें सारा सामान भर सकते हैं हमारे पास मौजूद है तमाम मॉडल्स का। तो टेक्नीशियंस आपके पास आज मोस्टली यहाँ पे कौन से मॉडल्स ज़्यादा लेके आते हैं? चाइना के आते हैं या एंड्रॉयड आते हैं या आईफोन आते हैं? यार बेसिकली ज्यादा सबसे ज्यादा जो हमारे पास यहाँ काम चलता है वो चलता है टेक्नो इन्फिनिक्स का, ज्यादा चाइनाज मॉडल भी आते हैं। आईफोन भी बहुत यहाँ पे तो बहुत कम है, मतलब बड़े मॉडल तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है किसी के पास। हम भी खुद भी बहुत ज्यादा, वो हमारे पास सबसे बड़ा मॉडल जो पड़ा है 12 प्रो मैक्स पड़ा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे इतनी सेल वगैरह नहीं है। कटिंग सबसे ज्यादा जो है ना टेक्नो इन्फिनिक्स की है। तो ये जो आपका सारा सामान है रिपेयरिंग से रिलेटेड जो भी है, यहाँ आप कहाँ से आप लेते हैं? ये आप इंपोर्ट हमारी जो आती है चाइना से आती है ना, सामान वगैरह जो भी हम इंपोर्ट वगैरह कराते हैं चाइना से करवाते हैं। लोकल परचेज अगर उठा भी ले हम कराची से या लाहौर से, हमारी ज्यादा परचेजिंग फिर आती है, उस लिहाज से काम माशाल्लाह ठीक है। ठीक है, तो ये जो डॉलर का रेट गुज़िश्ता 2-3 सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ और अब आगे भी मज़ीद बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं डॉलर के रेट का, तो डॉलर के रेट बढ़ने से आप जैसे बता रहे हैं चाइना से आप माल इंपोर्ट करवाते हैं तो आपके रेटों में भी फ़र्क पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पहले जिस तरह मिसाल के तौर पर अब वाइन एंड प्राइम का पहले हम पैनल जैसे सेल कर रहे थे 4,443 रुपये का सेल करते हैं, अब वही पैनल 5,500 रुपये का सेल कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया चीज़ों में। आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई वैसे भी इतनी ज़्यादा है कि यार जी इमेजिन नहीं किया जा सकता, और आगे मज़ीद होने के चांसेस भी हैं। दोस्तों मैं अभी आया हूँ काजमी मोबाइल पे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ियाँ चढ़ते साथ ही राइट हैंड पे जो इन भाई की दुकान है। काजमी भाई जो है यहाँ पे बहुत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत काम यहाँ पे कर रहे हैं, और अभी इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पे क्या इनकी स्पेशलिटी है और इनको कितना टाइम हो गया यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम काजमी भाई। वालेकुम सलाम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। काजमी भाई सबसे पहले तो बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे फील्ड में ऑलमोस्ट तकरीबन 5-6 साल हो गए इस फील्ड में, और प्लाजे में भी तकरीबन इतने टाइम हुआ। मैंने इसे स्टार्ट लिया था और ये है कि अभी तक ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और मुख्तलिफ रिपेयरिंग एक्सेसरीज वगैरह सब काम मतलब इसी शॉप में करते रहे हैं पहले भी। तो और इस प्लाजे में सॉफ्टवेयर के बंदे काफ़ी कम हैं जो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा जो टेक्नीशियन है वो हार्डवेयर के हैं, तो उसके मतलब आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब आपका काम यहाँ पे कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम है। सॉफ्टवेयर के वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो फील्ड है ना वो थोड़ी सी चेंज होती जा रही है मोबाइल पर। अब यह है कि जिस बंदे के पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना वो मोबाइल को उतनी अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो हमें ये हार्डवेयर रिपोर्ट से ये बता देता है कि इस मोबाइल में ये फॉल्ट है। हमारे पास जब भी कोई फ़ोन डेड आता है तो हम उसको पहले हार्डवेयर रिपोर्ट ले लेते हैं कंप्यूटर के जरिए, तो इसमें हमें आसानी हो जाती है कि हम फ़ोन को उसमें उस हिसाब से रिपेयर करते हैं।
और यहाँ पे आपके पास क्या क्या स्पेशलिटी हैं, कौन कौन सी यहाँ पे आपके पास न्यू जो एडवांस मशीन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एडवांस मशीन्स की बात की जाए तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टेक्नो इन्फिनिक्स चल रहा है, उनमें मोस्टली एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो हैंग ऑन लोगो हो जाते हैं। जिस तरह ये अभी देखिए मेरे पास ये फ़ोन पड़ा हुआ है, ये हॉट 9 प्ले है, तो वो मोस्टली कस्टमर जो आपके व्यूअर्स हैं उनमें से भी किसी का फ़ोन डेड हुआ होगा या फिर किसी का फ़ोन स्टक ऑन लोगो हो गया होगा, सिर्फ ऊपर चार्जिंग लाइट शो कर रहा होगा, तो उसमें यह है कि ज़्यादातर ये फॉल्ट होता है मेमोरी चिप का। तो वो ये है कि आम टेक्नीशियन पावर आईसी को पहले छेड़ते हैं, आम पावर आईसी को पहले नहीं छेड़ते, पहले मेमोरी चिप उतारते हैं, उसकी जो वो कंज्यूम्ड हो जाती है जिसकी वजह से स्टक होता है। तो हम यहाँ पे इस बॉक्स में रख के ये जे टैग है इसको करते हैं, रिप्रोग्राम करते हैं, लगाते हैं तो फ़ोन रिकवर हो जाता है। ठीक है। और ये जो आपके बैग पे ये मशीन पड़ी है ये किस काम के यूज़ में आती है? ये लेज़र मशीन है और ये आईफोन की बैक रिमूव करने के लिए, टिकटॉक पे आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी कि वो लेज़र से आईफोन की बैक रिमूव होती है। इसमें इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फंक्शंस है, मतलब आप अपने बैक कवर के ऊपर डायग्राम बना सकते हैं या फिर मतलब कोई स्केच वगैरह बनाना हो, ये इनग्रेविंग मशीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि जब से ये पीटीए लॉक हुए हैं फ़ोन पाकिस्तान में, पीटीए टैक्स का जो ये कॉन्सेप्ट एक लॉन्च हुआ है, तो इसमें आपके पास फ़ोन आते हैं आप उसको उसकी वजह से सॉफ्टवेयर वाले मोस्टली होते हैं वो आई एम आई ये चेंज कर देते हैं लोगों के फ़ोन्स की, तो उनको जो पीटीए लॉक होते हैं अनलॉक करने के लिए, तो ये काम भी आप करते हो? नहीं नहीं सर, ये असल में बताऊँ कि ये हमारी फील्ड्स के रिलेटेड काम ही नहीं है। हमारे पास ज़्यादातर काम जो है ना वो ये डेड बोर्ड रिकवरी का है, स्टक ऑन लोगों का, मेरे पास तो इस तरह का मतलब सॉफ्टवेयर काम आता है बाकायदा। बाकी ये चीज़ के ऑफिशियल एक तरीकाकार मौजूद है, शुरू में 2019 में जब नया नया आया था पीटीए तब तो ये है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान था, लेकिन अब यह है कि आवाम भी काफ़ी मशहूर हो गई है, वो पैच सेट को प्रेफर नहीं करती, और हम खुद भी हमारे पास कस्टमर है तो हम उसको ये कहते हैं कि यार पैच सेट को मैं भी खुद भी प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी रिस्क पे होता है। तो यह कि आपकी सिक्योरिटी एक रिस्क पे है, आप पैच सेट इस्तेमाल कर रहे हो, आपका डाटा ऑन रिस्क है, किसी टाइम भी आपका डाटा उड़ सकता है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता, और यह है कि मार्केट इस चीज़ की गवाह है। तो लास्टली व्यूअर्स, मैं आ चुका हूँ दीन प्लाजा के 3rd फ्लोर पे और मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगा जिन्हें बहुत से जो वाकेंड के टेक्नीशियन हैं वो तो जानते ही होंगे, वाकेंड के जितने भी टेक्नीशियंस हैं मोस्टली उन्होंने इनसे ही रिपेयरिंग का काम सीखा है। इनफैक्ट मैंने खुद भी मोबाइल रिपेयरिंग का काम जो सीखा है, कोर्स किया है, वो सर से ही किया है। इनकी 3rd फ्लोर में ऊपर दुकान है दीन प्लाजा में सर शाहिद की, तो इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं रिपेयरिंग से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको इस मोबाइल फील्ड में कितना टाइम हो चुका है? ये मेरे ख्याल में जब से मोबाइल शुरू हुए ऑलमोस्ट तभी से मैं काम कर रहा हूँ। मैं 92 में जब मैं सऊदीया गया चला गया था तो वहाँ पे उस टाइम यहाँ पे मोबाइल नहीं थे, फिर वहीं पे पहले मोबाइल में शुरू में पेजर आए, पहले पेजर होते थे उस पर ना मैसेज लिखा हुआ आता था, और फिर मोबाइल बाद में आए, तो ऑलमोस्ट समझ लें जब से मोबाइल शुरू हुआ तब से ही काम कर रहा हूँ ये। और सिखाने का आपने काम कब से शुरू किया, कब से सिखा रहे हैं? सच्ची बात ये कि जब असल में मैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूँ, पहले मैं टीवी टेप वगैरह ठीक करता था, जब सऊदीया गया सऊदीया भी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उस पर बेस पर गया था, तो फिर वहाँ से मैं जब मोबाइल शुरू हुआ तो मैंने भी साथ में उसमें हाथ मारना शुरू कर दिया थोड़ा बहुत। तो मैं अपने आप को इतना उसमें नहीं समझता था, जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैंने तब भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता था, साथ में एक छोटी सी टेबल बना रही मोबाइल रिपेयरिंग की। तो बेसिकली जो बेसिक है मोबाइल का और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही है, बस माइक्रो में है वही इलेक्ट्रॉनिक्स, वही रजिस्टर कैपेसिटर सब कुछ वही है। तो मैंने जब काम शुरू किया तो मैं समझता था कि मैं बस ऐसे ही हूँ, तो जब मार्केट का मैं सर्वे किया तो मुझे पता चला कि सब बाकी जो है मुझसे भी नो रहे हैं, तो बाकी जब लोगों को मेरा पता चला तो थोड़ा बहुत मुझसे पूछना शुरू किया, तो पता चला मैं अंधों में काने राजे वाली बात थी, तो इतना मास्टर तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि गुजारा कर लेता हूँ। तो आप तब से सिखा रहे हैं? तब से फिर लोगों ने मेरे पास आना शुरू कर दिया और सीखना शुरू कर दिया। तो अभी जो आजकल के जो रिलेटेड है, अब जो टेक्नीशियंस हैं मोस्टली अब तो ज़्यादातर वो यही हैं, या तो आईसी का मसला बता देते हैं या वैसे ही वो ख़राब कर देते हैं फ़ोन। आजकल के मुताबिक आपको क्या लगता है कि टेक्नीशियंस को कितना काम आता है? नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी बड़े बेहतर हैं, लोग जानते हैं। कोई भी फील्ड है ना, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक समंदर है। अगर कोई कहे ना मैं इसमें मास्टर हूँ तो समझ लें कि वो कुएं का मेंढक है, रोज नई अपडेट आ रही है, और अगर आपको मार्केट में रहना है और काम करना तो आपको अपडेट होना पड़ेगा, साथ साथ गूगल पे और हर जगह पे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे सर्च करनी चाहिए। तो हैं माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे हैं, लोग काम कर रहे हैं, और कुछ अनाड़ी भी हैं मेरे जैसे जो बस। आप अभी भी सिखा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी बिल्कुल, अभी भी यहाँ पे आप अगर बाद में देख लीजिएगा, ये मेरा क्लासरूम भी है और ये मेरी लैब भी है,
और सब कुछ यही है। वो पीछे व्हाइट बोर्ड है, बाद में आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। तो अब कितने बच्चे आते हैं आपके पास सीखने के लिए? 5 हैं शायद। असल में बहुत ज्यादा हों तो फिर जो है ना फोकस नहीं करता। हाँ, फिर फोकस भी ना वो सीख पाएंगे ना मैं सिखा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद सर, आपने अपना टाइम दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आई होप आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय की होगी। आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा टेक्सा 3 प्लाजा जो है वो मैंने एक्सप्लोर करवाया, यहाँ के जो दुकानदार थे उनका उनके साथ मैंने बात की, वो भी मैंने आप तक पहुँचाया। आई होप आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं थी बिल्कुल भी। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरी तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।